नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन पार्ट वन, जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और ये हम पार्ट टू डिस्कस कर रहे हैं, तो पार्ट टू में हम डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 25 तक हम डिस्कस कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 1 to 25। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, अ ग्लोबल इंडेक्स विच रैंक्स हाउ कंट्रीज एडहियर टू एंड इक्विप टू इम्प्रूव्ड चाइल्ड राइट्स प्लेस्ड इंडिया एट विच रैंक। अभी हाल ही में एक इंडेक्स जारी किया गया था, जिस इंडेक्स में बताया गया था कि कंट्रीज जो है वो किस तरह से चाइल्ड राइट्स को लेकर अपना रैंक इम्प्रूव कर सकती हैं, उसमें इंडिया ने कौन सा रैंक जो है वो प्राप्त किया है। अब कुछ चार ऑप्शन दी गई हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 117। 117 रैंक जो है वो प्राप्त किया है इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच स्टेट सफर्ड मोस्ट ऑन अकाउंट ऑफ साइक्लोन फानी। साइक्लोन फनी जो था वो कौन सी स्टेट में आया था, जहाँ पर जो था उसने बहुत अधिक प्रभाव अपना छोड़ा था। साइक्लोन फनी के बारे में आपने न्यूज़पेपर में भी सुना होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा। तो अगर साइक्लोन फनी की बात की जाए तो ये आया था ओडिशा में। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, वर्ल्ड लाफर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, विच संडे ऑफ मई। वर्ल्ड लाफर डे जो है वो संडे के कौन से, मई के कौन से संडे को मनाया जाता है, मई के फर्स्ट संडे को मनाया जाता है ये वर्ल्ड लाफ्टर डे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अच्छा, मई महीने के कुछ इंपॉर्टेंट डे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक बार HS के एग्जाम में पूछा गया था कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है वो मनाया जाता है 8 मई को। 8 मई को ये मनाया जाता है, और इस वर्ष की थीम जो थी वो थी #love। #love जो थी इस बार की थीम थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इसके बाद जो है वो आता है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज जो है वो मनाया जाता है 15 मई को। और नेशनल डेंगू डे कब मनाया जाता है, तो नेशनल डेंगू डे जो है वो मनाया जाता है मई 16 को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डे दो तीन मैंने आपको बताया, इनको आप एक साथ लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, INS वेला इज बिल्ट विद द कोलैबोरेशन ऑफ विद विच कंट्री। INS वेला जो है वो कौन से कंट्री के सहयोग से बनाई गई है, तो ये बनाई गई है फ्रांस के सहयोग से। फ्रांस जो है ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिएगा फ्रांस इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, किंग महावाजिरा लॉन्गकर्न हैज बीन क्राउन्ड एज द न्यू किंग ऑफ विच कंट्री। किंग महावाजिरा लॉन्गकर्न को किस कंट्री का प्रिंस, किस कंट्री का किंग जो है वो चुना गया है, इनको चुना गया है थाईलैंड का किंग। ऑप्शन ए सही आंसर है। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने दो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर किए थे, और प्रेसिडेंट भी यही हमने किए थे, और अभी जो है हम एक किंग के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि थाईलैंड के नए किंग बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच इंडियन रेसलर्स वॉन द गोल्ड मेडल इन 65 kg फ्री स्टाइल इन दी अली अलीयेव रेसलिंग टूर्नामेंट इन काशिफिस्क इन रशिया। देखिए, तो 65 kg रेसलिंग में जो है कौन से प्लेयर ने जो है, कौन से रेसलर ने जो है वो अवार्ड जीता है, गोल्ड मेडल इनके द्वारा जीता गया है। तो ये इनका जो नाम है, इनका नाम है बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में भी एक क्वेश्चन किया था। ऑप्शन बी सही आंसर है, ये रखिएगा याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन स्पोर्ट्स द सेलिब्रेशन ऑफ द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑन मई 3। देखिए, याद रखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है वो मई 3 को मनाया जाता है, और किसके सहयोग से जो है, कौन यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको मनाने में हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर होगा वो होगा यूनेस्को। यूनेस्को ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। यूनेस्को की सहायता से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है वो मई 3 को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच इंटरनेशनल डे इज ऑब्जर्व ऑन मई 2 टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टिकुलर फिश। देखिए, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मई 2 को जो है वो मनाया जाता है वर्ल्ड ट्यूना डे। ऑप्शन सी सही आंसर है। ट्यूना जो है एक फिश का नाम है, और इसी की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट डे जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज़ दी अप्रॉक्सीमेट स्ट्राइक रेंज ऑफ निर्भया मिसाइल। निर्भया मिसाइल की अप्रॉक्सीमेट स्ट्राइक रेंज जो है वो क्या है। क्वेश्चन चार ऑप्शन दी गई हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो आपके पास होगा वो होगा ऑप्शन ए, 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर जो है वो इस निर्भया मिसाइल की रेंज है, रेंज याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट वाज द थीम ऑफ दिस ईयर्स इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे की थीम क्या थी इस वर्ष।
देखिए, इंटरनेशनल योगा डे की जो थीम थी वो थी योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन। अच्छा, ये इंटरनेशनल योगा डे जो है वो कब मनाया जाता है, और इस वर्ष का जो इंटरनेशनल योगा डे था वो कौन से नंबर का योगा डे था, और ये कहाँ पर मनाया गया? तो इस वर्ष का जो इंटरनेशनल योगा डे था वो था 5th नंबर का इंटरनेशनल योगा डे, और ये कहाँ पर मनाया गया था? तो ये जो था ये मनाया गया था रांची झारखंड में। याद रखिए, रांची झारखंड में मनाया गया था, और ये कब मनाया जाता है? तो ये जून 21 को मनाया जाता है। इतना बेसिक्स आप इंटरनेशनल योगा डे के बारे में याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 36 है, हु बिकेम दी फास्टेस्ट बैट्समैन इन वर्ल्ड टू स्कोर 11,000 रन इन दी वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट इन जस्ट 222 इनिंग्स। अभी हाल ही में जो है वो कौन ऐसे वर्ल्ड के पहले फास्टेस्ट बैट्समैन बने हैं जिन्होंने 11,000 रन बनाए हैं केवल मात्र 222 इनिंग्स में? देखिए, ये बने हैं विराट कोहली। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, विराट कोहली सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ग्लोबल बॉडी रिलीज दी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2019। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2019 जो थी वो रिलीज की गई थी यूएनओ के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये लॉन्च की गई थी। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच सिटी इन बिहार वॉज इन न्यूज एज ओवर 160 चिल्ड्रेन लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ एक्यूट एंसीफेलाइटिस सिंड्रम। देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर जो था वो अभी हाल ही में न्यूज़ में था क्योंकि वहाँ पर 160 चिल्ड्रन ने अपनी जान गंवा दी थी एक एक्यूट एंसीफेलाइटिस सिंड्रम के द्वारा। याद रखिएगा, एंसीफेलाइटिस सिंड्रम के द्वारा जान गंवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओम बिरला हैज बीन यूनानिमसली इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ 17th लोकसभा, ही प्रेजेंट्स विच कॉन्स्टिट्यूएंसी? देखिए, ओम बिरला को जो है वो स्पीकर चुना गया है 17th लोकसभा का, तो वो कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं? तो देखिए, ये बिलोंग करते हैं कोटा राजस्थान से। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, कोटा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? वर्ल्ड डे ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट कब सेलिब्रेट किया जाता है? अब क्वेश्चन, चार ऑप्शन दी गई हैं, तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, जून 17। जून 17 को जो है ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, हु हैज़ बीन क्राउंड फेमिना मिस इंडिया 2019? मिस इंडिया 2019 जो है वो किसे चुना गया है? तो आप याद रखिए, मिस इंडिया 2019 चुना गया है सुमन राव को। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, सुमन राव को चुना गया है मिस इंडिया 2019। क्वेश्चन नंबर 41 है, जुजाना कैपिटोवा द एंटी करप्शन कैंपेनर वॉज स्वॉर्न इन एज द फर्स्ट फीमेल प्रेजिडेंट ऑफ कंट्री? देखिए, जुजाना कैपिटोवा को जो है वो एंटी करप्शन कैंपेनर चुना गया है, वो कौन से कंट्री के पहले फीमेल प्रेजिडेंट है? अब क्वेश्चन, चार ऑप्शन दी गई हैं, तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही आंसर होगा वो होगा स्लोवाकिया जो है इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर्स वर्ल्ड नो टबैको डे? वर्ल्ड नो टबैको डे की इस वर्ष जो थी वो थीम क्या थी? अब क्वेश्चन, चार ऑप्शन दी गई हैं, तो इस वर्ष की जो थीम थी वो थी टबैको एंड लंग हेल्थ। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अच्छा, वर्ल्ड टबैको डे जो है वो कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टोबैको डे जो है वो मनाया जाता है, याद रखिएगा, मई 31 को। मई 31 को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर पावर्ड आइसबर्ग शिप? क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, रशिया। रशिया जो है क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर होगा। रशिया के द्वारा वर्ल्ड की सबसे पावरफुल एक आइसबर्ग लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, 2019 एडिशन ऑफ IMD वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग रैंक्ड इंडिया एज विच नंबर? देखिए, अभी हाल ही में वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग जो है वो जारी की गई है, तो इंडिया का उसमें कौन सा रैंक रहा है और ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो IMD के द्वारा ये जारी की गई है, और इंडिया का जो रैंक रहा है वो रहा है 43। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, 43 जारी रैंक जो है वो इंडिया ने प्राप्त इसमें किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, RBI कॉन्स्टिट्यूटेड अ टास्क फोर्स हेडेड बाय टू सजेस्ट पॉलिसी एंड रेगुलेटरी इंटरवेंशन रिक्वायर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट इन दी कॉरपोरेट लोन्स। तो RBI के द्वारा जो कमेटी एक गठित की गई है, टास्क फोर्स गठित की गई है,
वो किसके द्वारा एडिट की जा रही है, जिसकी सजेशन जो है वो रही है। आपके पास चार ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, टी एन मनोहरम। टी एन मनोहरम जो है इस कमेटी के हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, टॉप दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जेंडर इंडेक्स 2019। कौन सी कंट्री ने जो है वो SDG डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जेंडर इंडेक्स में टॉप किया है। देखिए SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में जो कंट्री के द्वारा टॉप किया गया है उस कंट्री का नाम है डेनमार्क। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अच्छा, डेनमार्क के द्वारा टॉप किया गया है, तो इंडिया ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो इंडिया ने जो स्थान प्राप्त किया है वो है 95th रैंक। 95th रैंक जो है वो इंडिया का रहा है इस इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47, कॉनरेड संगमा इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। कॉनरेड संगमा को जो है अभी हाल ही में कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर चुना गया है। कुछ चार ऑप्शन दी गई हैं, तो देखिए कॉनरेड संगमा जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है और ये जो है ये चुने गए हैं चीफ मिनिस्टर, याद रखिएगा, मेघालय के ये चीफ मिनिस्टर चुने गए हैं। मेघालय ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिक्किम के नए चीफ मिनिस्टर कौन चुने गए हैं और वो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट धर्मशाला में भी आए थे, तो इनका नाम आप कमेंट करके बताइए कि कौन थे जो चुने गए थे। प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच कंट्री होस्टेड दी फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2019। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2019 जो है वो कौन सी कंट्री के द्वारा होस्ट किया जाएगा। याद रखिएगा, फीफा वर्ल्ड कप वुमेन जो है वो आयोजित होस्ट किया जाएगा 2019, किया गया था 19 का, फ्रांस के द्वारा। ऑप्शन बी फ्रांस जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO जिसे हम कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है जेनेवा में। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, द गवर्नमेंट हैज़ डेवलप्ड अ नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान दैट एम्स टू एंड द ट्यूबरक्लोसिस। देखिए गवर्नमेंट के द्वारा जो है एक प्लान डिज़ाइन किया गया है जिसमें उन्होंने रखा है कि ट्यूबरक्लोसिस को जो है वो रिड्यूस किया जाएगा। तो कब तक उन्होंने रखा है कि टीबी को जो है वो इंडिया से रिड्यूस कर दिया जाएगा। ऑप्शन डी 2025 जो है वो सही आंसर है। 2025 तक का टारगेट जो है वो इंडिया के द्वारा रखा गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पार्ट वन और पार्ट टू हमने कवर कर लिया है, 25-25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए पार्ट वन और पार्ट टू में। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि करंट अफेयर्स की वीडियो हम आगे भी बनाते रहें, आगे एलाइड के एग्ज़ाम के लिए आपको प्रोवाइड करवाते रहें, देखिए वीडियो को शेयर करना ना भूलें, आपका रिस्पॉन्स बहुत अधिक मैटर करता है। और इसके अलावा आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।